हेलो गाइज, मेरा नाम विभू और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हुंडई i20 के मेगना वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट के म्यूज़िक सिस्टम के बारे में। आज की वीडियो में इस गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम टेस्ट हम यहां पर करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने इस गाड़ी का फुल डिटेल एक रिव्यू बनाया है, ओनरशिप रिव्यू, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में लिंक मिल रहा होगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मैं आपको एक बार इस कार का म्यूजिक सिस्टम और सुनाता हूँ। इसमें हम NCS के नॉन कॉपीराइट सॉन्ग यहाँ पर चलाएंगे और देखेंगे इस गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम कैसा मिलता है। इस तरह की आपको डिस्प्ले यहाँ पर मिलती है छोटी सी, जिसके अंदर चार स्पीकर गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं बेस वेरिएंट होने के बाद भी, जो कि और कोई कंपनी यहाँ पर नहीं देती है, चाहे वो टाटा हो या फिर मारुति हो, कोई भी कंपनी नहीं देती है हुंडई के सिवाय। तो अब एक बार NCS के सॉन्ग यहाँ पर हम चलाते हैं। तो ये थे इस गाड़ी के म्यूज़िक सिस्टम की क्वालिटी। आई होप आपको अच्छे से जज हो पाई हो। अगर नहीं हो पाई है तो ईयरफोन्स का यूज़ करें, उसके बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा किस तरह की क्वालिटी यहाँ पर मिलती है इस गाड़ी के अंदर। साउंड क्वालिटी सही में ही काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर चार स्पीकर मिलते हैं, दो ट्विटर मिलते हैं बेस मॉडल होने के बाद, क्योंकि आपको ना ही एल्ट्रोज में मिलते हैं ना ही बलिनो में मिलते हैं बेस मॉडल के अंदर। पर जो उन गाड़ी के मिड वेरियंट है उनकी स्पीकर की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि इस गाड़ी के बेस मॉडल की। आज की वीडियो में बस गाइज यही था, एक छोटा सा म्यूज़िक सिस्टम टेस्ट हुंडई i20 के मेगना वेरियंट का। अगर आपको किसी और गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम चेक करना है, जैसे कि पंच का हो या एल्ट्रोज का हो गया, तो वो वीडियोस भी चैनल पर अपलोड है, वो भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको इस गाड़ी का एक ओनरशिप रिव्यू देखना है या वॉक अराउंड रिव्यू, तो वो भी चैनल पर अपलोड है, आप वो वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।